अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फौजिया एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जूसी चिकन फ्राई की रेसिपी। आज है फ्राइडे और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, इसमें मैंने ये रेडीमेड टिक्का फ्राई मसाला डाल दी हूँ और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि इस मसाले में पहले से ही ऐड रहता है। और डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अभी हम इसमें डाल लेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसमें हम डाल लेंगे दही और डाल लेंगे नींबू। मैंने इसमें पूरा 1 नींबू डाली हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल लेंगे मिर्ची पाउडर और इसे फिर से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। हमें इसे मिक्स करके कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रीज में और फिर इसे बाद में फ्राई कर लेंगे। चिकन लेग पीस में ऐसे हम चीरे लगा देंगे ताकि मसाला अंदर तक हो जाए। अभी कर लेंगे हम रोटी की तैयारी जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है और यह मिंथा वटाना छील रही है और तैनूर बेबी के साथ खेल रही है। अभी मैं बना लूँगी रोटी जब तक चिकन की मैरिनेशन हो रही है। एक तरफ से सेकने के बाद मैं दूसरी तरफ से भी रोटी को सेक लूँगी। तरीके से हम सारी रोटियों को बना लेंगे। और अभी मैं ले रही हूँ एक फ्राई पैन में तेल चिकन फ्राई करने के लिए। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है एकदम अच्छे से, अभी हम इसे तल लेंगे। पहले एक तरफ से कुक करेंगे और फिर इसे पलटी कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, फास्ट नहीं करेंगे वरना चिकन अच्छे से कुक नहीं होगी। इसी तरीके से हम अपना चिकन को फ्राई कर लेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रही है तब तक कर लेंगे हम अपनी चटनी की तैयारी। ये मैंने ली हूँ धनिया और ले लूँगी मैं 5 से 6 हरी मिर्ची। चिकन को मैंने पलटी कर चुकी है और इतनी चिकन फ्राई हो चुकी है। चिकन ऑलमोस्ट सारी फ्राई हो चुकी है और चटनी भी बन चुकी है। अनस बैठ गए खाना खाने, हम सब पापा के साथ खाएंगे। आपको अगर हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।